अब तो यही है कि हम तो केजरीवाल के हक में है सारी कॉलोनी। भैया देख, मेरा तुमसे एक बात कह दी है, गरीबों को तो देखो पानी और बत्ती चाहिए फ्री, यही तो होता है। हमें बढ़िया लगता है घर वाले, हमें बहुत बढ़िया, हमारी बत्ती फ्री, अभी जो पानी फ्री और हमारी घूमना भी फ्री है। आज वो जमाना आ गया है हिंदू मुसलमानों को लड़वा ले, सोच रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले। ये सब बेकार की चीज है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, ये सब बेकार की बात है। मेन चीज है आप रोजगार पे बात करिए, रोजगार है मेन चीज, और आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की हमारी क्या नाम है जीडीपी वगैरह। दिल्ली की जनता स्टंप केजरीवाल को चाहती है, सच्चाई यही है कि बिजली पानी का मुद्दा है, बसें फ्री चल रही है। तुमसे एक बात कह दी है, गरीबों को तो देखो पानी और बत्ती चाहिए फ्री, यही तो होता है। और हमारे राज्य में तो किसी ने ना हमें बत्ती फ्री की दी ना काई ने दी, भैया अब मिली है हमें फ्री की बत्ती और पानी, बस यही तक है हमारा था। केश वाला ये बता रही थी कि जैसे मोदी की तरफ से सिलेंडर मिले ना सबको, हमें नहीं मिले ना, हमारे पास छोटा है ना बड़ा है, चूल्हे पे खाना बनाते, कहते कोई 500 रुपए दो, कोई कहते 1000 रुपए दो, जब बनेगा राशन कार्ड, अब नहीं है पैसे तो कहाँ से बने, कहाँ से बनवाएंगे, जिसको पैसे खिलाएंगे वो बनाएगा, अब नहीं है इतनी गुंजाइश तो बैठे हैं अपने, अब राशन मिले तो आधी गरीबी माफ ना हो जाए, राशन कार्ड हो तो आधी गरीबी माफ ना हो जाए, राशन से बहुत फायदा होता है। और ये एनआरसी जो चल रहा है ना, एनआरसी से भाजपा से बहुत हॉस्पिटलों के बारे में कुछ चीज फायदा हो रहा है, देश को बहुत बड़ा नुकसान है भाई, देश को तो बहुत बड़ा नुकसान है। हिंदू और मुसलमान लड़ना चाहते हैं कोई, आप ये बताइए, कोई लड़ना नहीं चाहता, लड़वाने वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं देश को मजबूत करेंगे, कहाँ मजबूत हो रहा है देश, देश तो जब मजबूत होगा ना, जब देश की जनता के पास पैसा होगा, कारोबार चलेगा, देश तो वही मजबूत होगा ना। अगर देश की अर्थव्यवस्था जितनी खराब चल रही है तो ये तो पूरा राष्ट्र भी और पूरा देख भी रहा है, पूरे देश की जनता देख रही है, हर आदमी परेशान है। केजरीवाल जी काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उन्होंने स्कूल के लिए भी काम उन्होंने किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, जो बहने जो बसें वैसे फ्री कर रखी है उन्होंने काम किया है। मैं कहता हूँ अंग्रेजों के जमाने का मेरी पैदाश है, उस जमाने में 1947 में 11 साल का समय, नेहरू का जमाना मैंने देखा, बहुत बढ़िया रहा है, कोई परेशानी नहीं थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को सब हम बड़ी मोहब्बत से रहते थे। 1947 के बाद में हम अपने महलों में हिंदू मुसलमान सब एक साथ बैठते थे, रात के 11-12 बजे तक, इतनी मोहब्बत होती थी, जवान भी बूढ़े भी हम। आज वो जमाना आ गया है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वा ले, सोच रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले, क्यों पूरे हिंदुस्तान में। अब तो यही है कि हम तो केजरीवाल के हक में है सारी कॉलोनी, जीत के बढ़ गया, थोड़ा बहुत पानी बिजली तो केजरीवाल ने करी है, थोड़ी सुविधा अभी तक तो स्कूलों में भी अस्पतालों में भी आजकल केजरीवाल की तारीफ हो रही है। केजरीवाल राशन भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए, और गरीब हम जैसे लोग को लोन दे तो हम जो हमारी जो डब्बा डुब्बी लेके रोड पे बैठे तो पक्की दुकान हो जाए, है ऐसे कोई सुविधा दे। मोदी जी तो कह रहे लोन दे रहे हैं, हम तो मुद्रा लोन तो कुछ छोटा लोन, मोदी जी मोदी जी भी देंगे, सरकार दे, कोई देने वाला आए तो सही, मुझसे तो सब कह रहे पर देते तो है नहीं कोई, हमारे बच्चे बेरोजगार है, इधर उधर दाढ़ी मजदूरी करते हैं, कोई काम नहीं देता, एक लड़के का काम छूटा पड़ा है ना, हमारा काम इल्ला है वो भी बंद हो गया, लोहे का तो काम है ना, हमारा लोहे का काम है वो भी बंद हो गया, अब जिसकी फैक्ट्री ही वो बंद होगी, जब वहाँ से लोहा लंगर आए करे हमारे, अब पेंशन मारी ना, बड़ी बूटी की पेंशन बंद है करे, हाल लो भी ना बन रही। मोदी जी ने तो बहुत प्रचार दिया था,
अगर मैं वो कर दूंगा तो मैं मकान दे दूंगा तो मैं वो करवा दूंगा, लेकिन अभी तक करया कुछ नहीं। ऐसे ही इसने आम आदमी ने कराया था, आम आदमी ने कहा तुम्हारा वो माफ करवा दूंगा, तुम्हारी बिजली करवा दूंगा, तुम्हारी ये क्या नाम नाली खुदवा दूंगा, तुम्हारे लिए मैं मकान बनवा रहा हूँ। अभी तक तो कोई भी नहीं, एमसीडी वाले भी नहीं सुनते। एमसीडी वाले भी तो वो क्या नाम मोदी की तरफ से है, वो भी बीजेपी की तरफ से है एमसीडी वाले भी। आप क्या चाहते हो इस चुनाव? हम ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ नाली बननी चाहिए, हमारी थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए, एक आध टंकी लगनी चाहिए, बस। क्या कहते हैं, झाड़ू वाला जीतेगा, अच्छा काम करा है, पानी बिजली का काम करा है, हॉस्पिटलों का भी सही करा है, और तुम्हारे मोहल्ला क्लीनिंग भी बनाया है, पानी बिजली का भैया सब सही है, तो अच्छा हम उसी को देंगे वोट, और किसको देंगे, काम अच्छा कर रहा था। जैसे और भी कुछ समस्या आपके इलाके में जाती है, और काम होना चाहिए? हाँ, काम ये होना चाहिए कि हमारे गली में गेट नहीं लगा हुआ है, गेट लगवाना चाहिए, वो कैमरा वमरा सब लग चुका है। बेहतर सबसे बढ़िया काम भी हमारे नज़र में तो आप पार्टी की, आप पार्टी के अंदर जो अधिकार मिले हुए हैं उसी का इस्तेमाल तो करेगा। अब केंद्र सरकार उनको पूरी तरह से मदद अगर नहीं करता है तो केंद्र तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार जो है टांगड़ आती है, वो काम इसको करने नहीं देती है। हालांकि मैं इस पार्टी से बिलोंग नहीं करता, आप पार्टी से ना ही मैं किसी का मेंबर हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है वो कोई केजरीवाल के आप पार्टी के तो हाथ में है नहीं कि वो महंगाई को कम कर दे। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, जब से महंगाई का इतना स्तर बढ़ गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, आम आदमी जो है रोजी रोटी कैसे कमाए और कैसे खाए, कैसे अपना गुजारा करे। मैं एक कंपनी में काम करता था, 20 वर्ष तक काम किया, और इन्हीं के पार्टी के जब अटल बिहारी वाजपेयी आए 1999 में, तो उन्होंने पूरी दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान के जितने प्राइवेट सेक्टर थे सबका इन्होंने जो है ठेकेदारी में दे दिया। इससे उसी में का निकाला हुआ मैं भी आदमी हूँ। 27 रुपया किलो आटा है, बताइए, प्याज मांगी है, सब सब्जी मांगी है, दाल मांगी है, सरसों का तेल 100 रुपया किलो, बताओ गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? मतलब एक बात कह रही हूँ, ये है जी। हाँ, अच्छा, राशन जो मिलता है सरकारी राशन, वो मिलता है आप लोगों को? हाँ, हमें मिलता है। वो कैसा है? ठीक है अभी? हाँ, ठीक है। पहले के मुकाबले कैसा है? नहीं, पहले ही से हमारा उतना ही मिलता है, 25 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, लाल कार्ड है। पहले जैसे 2012-13 में चीनी मिला करती थी सबको। हाँ, चीनी बंद कर दी, बंद कर दी। हाँ, 1 किलो चीनी मिलती है अब, 1 किलो चीनी मिलती है 1 किलो। नहीं तो पहले 7 किलो चीनी मिलती थी। और क्या चाहते थे? राशन में चीजें मिलनी चाहिए। हाँ, चीनी भी मिलना चाहिए, दाल भी मिलना चाहिए। पहले दाल भी मिलता था, चने की, अरहर की दाल मिलती थी, वो सब चीज मिल जाता था, तो चलो क्या कहते हैं अपना घर का खर्चा चल जाता था। ये है राशन पत्ती, अपना सब चीज मिल जाता है, तो अपने घर में जो है बना खा तो लेते हैं गरीब आदमी। हमारा तो कोई कमाने वाला नहीं है, बेटा नहीं, हमारी 4 बेटी है खाली, पढ़ रही है वो भी, पढ़ रही है। हाँ, स्कूल में। हाँ, तो बताती है स्कूल में क्या, अभी स्कूल क्या हुआ? नहीं कह रही है, स्कूल में तो बढ़िया पढ़ाई हो रहा है इस टाइम, कल पढ़ाई हो रही है, दिखाया स्कूल तो सारे बर्बाद हो रहे हैं, सारे टूटी बिल्डिंग्स हैं। नहीं नहीं, पढ़ाई तो बढ़िया हो रही है बच्चों का, इस टाइम तो पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी जितनी अब अच्छी हो रही है।